इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल में आता है, एग्जांपल है ये स्केलर प्रोडक्ट की। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर है क्या। हमने कल की वीडियो में डिफाइन किया था कि अगर कोई एक चार्ज क्यू हो तो उस चार्ज की वजह से किसी दूसरे चार्ज पर जहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट असर कर सकता है, जहाँ तक कि चार्ज क्यू इस कैपिटल चार्ज क्यू की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को महसूस कर सकता है, वो सारा का सारा रीजन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को किसी भी पॉइंट पर, लेट्स से कि ये वो रीजन है जहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसे देखने के लिए हम एक एरो हेड लगाते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से जो है एक एरो हेड के ज़रिए हम लोग जो है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, और जो उसका हेड होता है वो बाहर की जानब होता है और टेल जो है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होती है। इस तरीके से ये जो लाइंस हैं इन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस तरह से इमिट होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल की वीडियो में बात की थी कि हर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को चेक कर सकते हैं और इस तरह के एरोहेड के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड के अंदर मैं कोई एक ऐसी सरफेस रख लूँ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें, इस तरीके से कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के अंदर अगर मैं कोई सरफेस इस तरह से रख दूँ, ये लेट्स से ये वो हमारी सरफेस है, ये हमारी सरफेस है, इसे मैं उठाकर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रख देती हूँ जो कि किसी पॉजिटिव चार्ज या किसी भी नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो है इमिट हो रही है। क्योंकि अब ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो और उसकी वजह से ये इस तरीके से ये इमिट हो रही हो। अब हम लोग इन इलेक्ट्रिक लाइन्स के, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इनके दरमियान हम लोगों ने, इसके अंदर जो है हम लोगों ने एक सरफेस रख दी। आपको मालूम है कि कोई भी सरफेस हो तो उसका जो है वेक्टर एरिया जो है ए है वो इस तरह से होगा, उसका सामने की तरफ आएगा इस तरीके से। यूँ इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, ये इस तरह से सामने की जानब आएगा। और अगर मैं इसको इस तरह से करूँ, इस तरह से अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से टिल्ड करके इस सरफेस को रख दूँ इस तरीके से, तो इस सिचुएशन में हमारा जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन जो है सामने की तरफ हो जाएगी, तो ये हमारा वेक्टर एरिया ए आ जाएगा। और अगर मैं इसे नीचे की तरफ भी लिटा कर अपने सरफेस एरिया को रखूँगी तो इसका जो वेक्टर एरिया है वो ऊपर की जानब आ जाएगा। तो ये डिफरेंट सिचुएशन है कि हम किस तरीके से अपनी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रखते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसे हम लोग इस तरह से कहते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आ रही हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड है इस तरह से। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर मैं अपनी जो सरफेस है उसे कुछ इस तरीके से रख देती हूँ, थोड़ा सा टिल्ड करके इस तरीके से जो है हम लोगों ने अपनी सरफेस को इस तरीके से रख दिया। अब इस तरीके से रखने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ई है, इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो ई इस तरफ है सामने की जानब। और ये हमारा जो इस सरफेस का यूनिट एरिया ई है वो भी इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट में आपको मालूम है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम उस वक्त होता है जब के दो चीज़ों के दरमियान, जिनके दरमियान आप स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो एंगल अगर तो ज़ीरो है तो आपका स्केलर प्रोडक्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट वो मैक्सिमम आ जाता है, स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। अब देखा जाए तो अगर आप कोई भी सरफेस को, सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर है क्या। जब भी आप किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के अंदर रखें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर किसी भी सरफेस को रखने से इलेक्ट्रिक लाइंस उसमें से जब पास करती हैं और पास करें और तो फिर उस सरफेस का यूनिट एरिया यानी कि उसका जो वेक्टर एरिया है उसका
और आपकी जो ई है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी कि किसी भी सरफेस को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रखने से उसके वेक्टर एरिया और ई के दरमियान जो एंगल बनता है, ई के दरमियान जो आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है ई जो कि हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगाते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई और जो सरफेस एरिया आप इसके अंदर रखते हैं उस सरफेस एरिया का जो यूनिट वेक्टर है उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसे हम अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आपको ये भी मालूम है कि जब हम डॉट को हटाते हैं तो हम इसे ई ए कोस थीटा लिख सकते हैं, और जब हमारे ई और ए यानी कि हमारा वेक्टर एरिया ए उस सरफेस का और ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए दोनों की डायरेक्शन सिमिलर हो, उनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो हो, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ई ए कोस ज़ीरो आ जाता है। और कोस ज़ीरो जो है इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, जो कोस ज़ीरो है वो मैक्सिमम होता है वन। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होता है जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। उस सिचुएशन में हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन ले लीजिए जैसा कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इस सिचुएशन में इस तरीके से, और मैं अपने सरफेस एरिया को कुछ इस तरीके से रख लूँ, इस तरीके से यूँ लिटा के इसको रख लूँ, तो इस सिचुएशन में मेरा जो वेक्टर एरिया ए है वो इस तरह अपर डायरेक्शन में आएगा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो ई और ए जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान जो एंगल है इस सिचुएशन में वो 90 है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो ई डॉट ए जो कि बराबर है हमारे पास ई ई कोस थीटा, यहाँ डॉट हटाकर कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। और हमें मालूम है कि जो कोस थीटा होता है, थीटा की जगह अब हम लोग यहाँ पे 90 प्लेस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कोस 90 पे ज़ीरो होता है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है जब हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा तीसरी सिचुएशन जो है वो ये हो सकती है कि हमारा जो सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक लाइंस के साथ किसी तरह से एंगल बना रहा हो, यानी कि इस तरीके से कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, और अगर मैं अपने सरफेस एरिया को कुछ इस तरीके से रखूं कि वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कुछ एंगल बनाए, इस तरीके से कि ये मेरी सरफेस से कुछ इस तरीके से करके रखूं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कोई एंगल बना रही है। अब ये देखा जाए तो ये इसके साथ किसी एंगल के साथ टिल्ट कर रही है, यानी कि अगर ये इस तरह से पास कर रही है यहाँ पर तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है। इस तरीके से इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से करूँ तो आप यहाँ पे इजीली एक एंगल फॉर्म होता है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो सरफेस है अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कुछ एंगल पे है। ये आपकी ई की डायरेक्शन है और आपका जो वेक्टर एरिया ए है उस सिचुएशन में उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से हो जाती है। लेट्स से कि ये आपकी ई की डायरेक्शन आ रही है, ये आपका ई है और आपका इस सिचुएशन में इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इस तरह से इनके दरमियान में भी एक एंगल बन जाता है क्योंकि अब ना तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ना ही इस सिचुएशन में ये पैरेलल आते हैं, बल्कि ये सम एंगल पर आते हैं, इन दोनों के दरमियान कुछ एक एंगल बन जाता है। अब अगर मैं इस तरह से करूं कि मैं इस सरफेस को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ टिल्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कुछ एंगल बना रही है, इसको अगर मैं इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करने से आप देखें कि ये इस सिचुएशन में आएगा कि अगर आप इसे इस ट्राइंगल से देखें कि जो आपका एंगल थीटा है वो इस सिचुएशन में है और ये आपकी ट्राइंगल इस तरह से बनती है, इस तरीके से इसे अगर मैं उठाकर यहाँ पर प्लेस करूँ तो इसकी कुछ डायरेक्शन ये आ जाएगी। ये वाला जो कॉर्नर है
ये कॉर्नर जो है इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर यहाँ पर आकर प्लेस होता है। तो जब मैं इसे इस एंगल के लिहाज से रिजॉल्व करती हूँ तो ये वाला जो कंपोनेंट है मेरे पास, ये इसे कहा जाता है कि ये ई कोस थीटा है। और ये जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला, जो कि ई के साथ इस तरी इस ई के साथ जो है पैरेलल है ई के साथ, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये ई के साथ पैरेलल आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये ई साइन थीटा है। यानी कि ई साइन थीटा जो है, ई साइन थीटा ये पर जो है पैरेलल है ई के साथ। और जो हमारा सेकंड है कि ई कोस थीटा परपेंडिकुलर है इस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ये है ना ई कोस थीटा की, और हमारा ई ये है, तो ये इसके साथ जो है परपेंडिकुलर है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसका फ्लक्स फाइंड आउट करना है। इसका फ्लक्स फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि अब यहाँ पर भी हम लिखते हैं ई डॉट ए, जो कि इक्वल्स है ई ए डॉट की जगह हमेशा हमें मालूम है हम यहाँ पर कोस थीटा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो भी एंगल बना होगा, चूँकि ई कोस थीटा ही हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना, ए एज इट इज़ रहेगा और ई की जगह जो है पेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा इस सरफेस का ई कोस थीटा। ई कोस थीटा इसके साथ इसलिए आ जाता है क्योंकि डॉट जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें हमेशा हम लोग कोस थीटा लेते हैं, साइन थीटा हम लोग जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट में लेते हैं। तो यहाँ पर ई कोस थीटा आ जाता है। और ये जो आपका एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हमेशा जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और जो है इसका लेस देन 90 होगा। यानी कि ये आपका जो एंगल है इसे इस तरह से लिखना चाहिए कि ये जो आपका एंगल है वो ज़ीरो से जो है ग्रेटर है आपका और 90 से लेस है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, आया कि वो उसके साथ इंक्लाइंड हो या वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ी हो, यानी कि इस तरह से पड़ी हो कि उसका जो वेक्टर एरिया है वो परपेंडिकुलर हो ई के साथ, या वो इस सिचुएशन में हो कि वो आपकी जो ई है ई के साथ आपका जो सरफेस है इस तरह से वो प्लेस किया जाए कि उसका वेक्टर एरिया ई के बिल्कुल जो है वो पैरेलल आ जाए। तो इस सिचुएशन से आप जो है डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट सर्फेसिस के लिहाज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ साइन कन्वेंशंस जो है साइन कन्वेंशंस होते हैं, जिसे हम लोग अभी देखते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। लेट्स से कि अब हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ने हैं। ये हमारे पास साइन साइन कन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, साइन कन्वेंशन नहीं बल्कि साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे हम लोग कि साइन किस तरह से कन्वर्ट हो जाए तो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से चेंज हो जाती है। लेट्स से कि यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस सरफेस से इस तरह बाहर जा रही हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से बाहर की तरफ जाती हैं तो उस सिचुएशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई होता है इसे हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। और अगर तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से हों कि ये अगर हमारी सरफेस है और इस सरफेस के अंदर जा रही हों, इस तरीके से इसको बनाना चाहिए थोड़ा सा, ये साइन जो कन्वर्जेंस है इस तरीके से कि ये अगर हमारी सरफेस है और इस सिचुएशन में अब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस सरफेस से बाहर की जानिब निकल रही हों, तो इस सिचुएशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नेगेटिव आ जाता है। इस सिचुएशन में पॉजिटिव आ जाता है और इस सिचुएशन में नेगेटिव आ जाता है। अब इस सिचुएशन में नेगेटिव इसलिए आता है कि इसका जो वेक्टर एरिया ए है वो तो अपनी वही डायरेक्शन में रहेगा। इसे थोड़ा सा इस तरह बताना चाहिए कि इसका जो वेक्टर एरिया ए है वो तो अपनी इसी डायरेक्शन में, ओरिजिनल डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ई की डायरेक्शन हम लोगों ने ऑपोजिट कर दी है। तो इस सिचुएशन में जो ई है उसकी डायरेक्शन ये आ जाती है और वेक्टर एरिया ए जो उस सरफेस का वेक्टर एरिया है वो तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में ही रहेगा और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 आ जाएगा। और आपको मालूम है कि फ्लक्स मालूम करते हुए ई ए कोस थीटा लगाना पड़ता है, तो कोस थीटा जो कोस यहाँ पे अगर हम लोग कोस 180 लगाएंगे तो ये -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस ई ए आ जाएगा, यानी कि हमारा फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। और इस सिचुएशन में चूँकि हमारा जो यूनिट एरिया है, जो वेक्टर एरिया है इस सरफेस का, वो है ही इस डायरेक्शन में कि वो ई के साथ जो है वो पैरेलल है, तो इस सिचुएशन में जो एंगल है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव आ जाता है
पॉजिटिव इस वजह से आता है कि यहाँ पर ई ए कोस ज़ीरो आता है जो कि मैक्सिमम होता है ई ए के, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट साइन नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव ही है। इसके अलावा एक सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर है या वो स्फीयर टाइप है या सिलेंडर नुमा है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास होती हैं जो वो एक हिस्से से पास होती हैं और दूसरे हिस्से से निकल जाती हैं। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेसेस में पास कर रही हूँ कि जितनी वो एंटर होती हैं उतनी ही लीव करती जाए, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स इस सरफेस के अंदर एंटर कर रही हैं उतनी ही लीव कर रही हैं, एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की जो तादाद है वो अगर बराबर हो वो उसमें से लीव करने वाली सरफेस में से लीव करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, तो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सिचुएशन में ज़ीरो हो जाता है और बाकी इस सिचुएशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज़ीरो हो जाता है और बाकी दोनों सिचुएशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेगेटिव भी हो जाता है और पॉजिटिव भी हो जाता है। क्योंकि ये साइन कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसे हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो होप सो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसके अलावा आपको होप सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझ आ चुका होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और इसे किस तरह से हम स्केलर प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए निकालते हैं।